हे व्हाट्स अप गाइस, यू आर वाचिंग RC17 व्लॉग्स। सो गाइस, जितने भी प्रिपरेशन के सारे प्रिपरेशन के बाद आज फाइनली वो दिन आ चुका है जब हम निकलेंगे राइड के लिए। एंड सारा सामान वगैरह पैक कर लिया मैंने, यहाँ पे बैग में पड़ा है, तो अब इसे बाइक के ऊपर माउंट करते हैं, उसके बाद निकलते हैं घर से। टाइम हो रहा है अभी फिलहाल 6:43। तो चलिए गाइज, जितना भी सामान है हमारा सारा बाइक के ऊपर माउंट करते हैं, उसके बाद फिर निकलते हैं राइड के ऊपर। पड़े हैं फाइनली हम बाइक पे एंड अभी जा रहे हैं गंगानगर की तरफ। घर से निकले थे 7:15 बजे एंड अभी लगभग 7:30 हो चुके हैं। जो रूट मैप है वो मैं शेयर कर देता हूँ, मैं गंगानगर से फाजिल्का वाले रूट से जा रहा हूँ अमृतसर। सो गाइस, अभी गंगानगर से निकल चुका हूँ, पंजाब बॉर्डर की तरफ बढ़ रहा हूँ। एंड पॉल्यूशन करवाया मैंने तो उसने रिजेक्ट कर दिया यार, 7 दिन के लिए बोलता, 7 दिन के बाद दोबारा आना। तो सोचने वाली बात है यार, नई बाइक है और पिछली 20 तारीख को मैंने सर्विस करवाई है इसकी और फिर भी पोल्यूशन के अंदर फेल हो गई। एंड अभी तक 3 सर्विसेज हुई हैं और PUC के अंदर बाइक फेल हो गई। तो सोचने वाली बात है, या तो उसकी मशीन ख़राब है, ठीक है, और या फिर रॉयल एनफील्ड वालों ने सर्विस अच्छे से नहीं की जिसके कारण मुझे ये फेस करना पड़ रहा है। तो रीज़न जो भी हो, बट 7 दिन का बन गया अपना, 7 दिन के बाद दोबारा करवाना पड़ेगा। 7 दिन तक कोई दिक्कत नहीं है, तो इतना लॉन्ग तो अपने रुकेंगे ही नहीं, बस 4 से 5 दिन का राइड है, तो 7 दिन वाले से एक बार अपना काम चल जाएगा, फिर दोबारा करवाएंगे। फिलहाल खड़ा हूँ मैं फिरोजपुर में और रेलवे क्रॉसिंग पे अटका पड़ा हूँ, यहाँ पे फाटक बंद पड़ा है। बट काफ़ी सारे बाइक वाले नीचे से निकल रहे हैं, बट अपने नहीं लेंगे ये वाला रिस्क, बिल्कुल बाइक गिरा गिरा के निकाल रहे हैं नीचे से। कमाल है यार, ये सारा कुछ इंडिया में देखने को मिलता है और कहीं नहीं मिलेगा। काफ़ी दूर तक जाम लगा हुआ है एंड अभी कंप्लीट कर लिया हमने आधा रास्ता और 100 आधे से थोड़ा ज़्यादा कवर कर लिया, 115-120 किलोमीटर रहा है यहाँ से अमृतसर। तो अब कहीं पे कोई अच्छा सा होटल वगैरह देख के वहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेंगे। सो गाइज, अभी लगभग 80 किलोमीटर रहा हूँ मैं फिरोजपुर से। जैसे ही निकला था ना तो मैंने सोचा कि हाईवे पे निकलूँगा कहीं पे, बट गूगल मैप ने पूरे मार्केट में घुमा दिया फिरोजपुर में, और उसके बाद एक रोड पे लगा दिया, सिंगल रोड है, सिंगल तो नहीं, सिंगल से थोड़ी सी बड़ी है, बट इस पे दिक्कत क्या है कि यहाँ पे होटल वगैरह तो है ही नहीं। मैंने सोचा हाईवे पे जाएंगे, वहाँ पे होटल वगैरह होंगे, उनमें चाय पानी पियेंगे और फिर आराम करके थोड़ा चलेंगे, बट ऐसा कुछ था नहीं। तो अभी रास्ते में एक छोटी सी शॉप आई, मैंने पीछे क्लिप डाली थी उसकी, तो वहाँ से मैंने पानी की बोतल ली है। और अभी ये देख लीजिए रोड का ये वाला साइज़ है, यहाँ पे चारों तरफ खेत ही खेत है और यहाँ पे रोड साइड में एक टेबल लगा हुआ था इस तरह से, तो यहाँ पे बैठ के मैं पानी पी रहा हूँ और ये इधर अपनी बाइक खड़ी है आराम से। तो चलो कोई ना, लेकिन ये एक्सपीरियंस भी अच्छा है, चारों तरफ खेत है, खेत ही खेत हैं और आराम से बैठ के पी रहे हैं पानी। अस्सी किलोमीटर रहा है तो फिर लंच का ब्रेक तो मैं सोच रहा हूँ कि लंच वहीं जाके करेंगे अमृतसर में ही। घर से निकलने के बाद एक छोटा सा फ्यूल ब्रेक लिया था, उसके बाद कहीं भी नहीं रुका, बस यहाँ आके रुका हूँ। यहाँ भी प्यास लगी थी काफ़ी, तो सोचा पानी पी लेता हूँ आराम से बैठ के और थोड़ा रिलैक्स भी हो जाऊँगा, हाथ में भी दर्द होने लग गया एक साइड में।
तो मैंने सोचा थोड़ा सा ब्रेक ले लेता हूँ, उसके बाद फिर आगे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अब तो लगभग आधे से ज़्यादा आ चुके हैं। थोड़ा ही रास्ता रहा है, 80-85 किलोमीटर का रास्ता रहा है करीबन। तो चलिए फिर आगे की बातें आगे करेंगे। तो गाइस फाइनली चलते हैं अब यहाँ से, 11:46 हो रहे हैं। ज़्यादा लेट होने से क्या फ़ायदा, गर्मी बढ़ ही रही है जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है। तो अब निकलते हैं यहाँ से और जल्दी से पहुँचते हैं अमृतसर, और रूम की भी बुकिंग नहीं करवाई, वो भी करवाने वाली है, ऑनलाइन ही देखेंगे, अगर ऑनलाइन नहीं मिला तो फिर मैनुअल जाके करवानी पड़ेगी। तो चलते हैं अब यहाँ से। गाइज अक्सर ऐसा होता है कि जब हम किसी बड़ी सिटी के नज़दीक जाते हैं तो जो हाईवेज़ हैं वो और अच्छे हो जाते हैं, रोड्स काफ़ी बड़ी हो जाती हैं, बट यहाँ पे उल्टा हो रहा है मेरे साथ। गूगल मैप ने इस तरह से उलझा रखा है, बट रास्ते में मैप के अंदर देखा मैंने तो जा तो अमृतसर ही रहा, बट ये छोटे छोटे रास्तों से लेके जा रहा है गांवों के बीच में से। अगर अच्छे से आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं पंजाब को तो इन्हीं रोड से कर सकते हैं, क्योंकि सिटीज़ के अंदर क्या है कल्चर का पता नहीं चलता कि किस तरह से क्या कुछ है, बट यहाँ पे जैसे छोटे छोटे गांव आ रहे हैं, खेत हैं ये साइडों में, एंड अभी ये छोटा सा गाँव आया है एक बीच में रास्ते में, तो काफ़ी कुछ एक्सप्लोर करने को मिल रहा है। पहले मैं सोच रहा था कि गूगल ये कौन से रास्ते से ले आया, बट अब लग रहा है कि सही था रास्ता, क्योंकि ये वाली चीज़ जो है ये हाईवेज़ में हम मिस करते हैं। हाईवे पे क्या है स्ट्रेट स्ट्रेट चलते रहो, चलते चलते नींद आने लगती है, बट कुछ अलग एक्सपीरियंस हो, कुछ देखने को अच्छा मिले तो क्या है, एक तो मन लगा रहता है और ऊपर से नींद भी नहीं आती, बोरिंग फील नहीं करते हैं। लो जी अमृतसर की ब्यूटी अब स्टार्ट होने वाली है। नीचे वेटलैंड आ गया शायद, आई थिंक सो हरिके वेटलैंड आई थिंक यही है। काफ़ी बड़ा ब्रिज बना हुआ है एंड इसके नीचे पानी अभी तो इतना नहीं है, लेकिन बारिश के टाइम यहाँ पे पानी होता है, तो देख सकते हैं आप काफ़ी अच्छा सीन बन रहा है देखने को। दूर दूर तक देखिए पानी ही पानी है। बारिश के मौसम में ये जो वेटलैंड्स हैं इनमें पानी भरा होता है, यहाँ पे पक्षी वगैरह आते हैं बाहर से उड़कर फॉरेन कंट्रीज से, तो इसे भी देखने जाएंगे हम। हरिके वेटलैंड है जो, उसे अच्छे से एक्सप्लोर करने के लिए जाएंगे, बट एक बार अमृतसर चलते हैं। अमृतसर से ये 65 किलोमीटर पहले है, तो आते टाइम इसे अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। काफ़ी टाइम से गांवों में घूम रहे थे उसके बाद अब हाईवे मिल गया अपने को, नेशनल हाईवे, तो काफ़ी अच्छी रोड बनी हुई है। लगभग 16 किलोमीटर ऐसे ही चलना है, उसके बाद हमें टर्न लेना है। यहाँ से अमृतसर है लगभग 20-22 किलोमीटर होगा, आगे बोर्ड आ रहा है उस पर देखते हैं। हाँ आइडिया अपना बिल्कुल सही निकला, यहाँ से अमृतसर है 22 किलोमीटर, गुरदासपुर 100 किलोमीटर। मौसम वाली फीलिंग आ रही है, इतनी दूर से ही दिखाई दे गया था मेरे को, कैमरे में पता नहीं कैप्चर हुआ नहीं या नहीं दूर से, बट आप तो दिख ही रहा होगा यार, देखने वाली चीज़ है ये। वीडियो में तो बिल्कुल छोटा सा लगता था, लेकिन रियल में है नहीं छोटा, बहुत ह्यूज है। वाह यार दिन बन गया भाई। होटल का रूम मुझे मिल गया था इजीली, पहले मैंने ओयो पे ट्राई किया, उसके बाद मैंने पेटीएम पे देखा, फिर मैंने मेक माई ट्रिप पे देखा, तो वहाँ पे अच्छी डील मिल रही थी, तो ये वाला रूम मुझे मिल गया। आप देख सकते हैं, मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको सारा रूम टूर। ये सामने विंडो लगा हुआ है, ये बेड है, उधर टेबल पड़ा है जिसपे सामान वगैरह पड़ा है, कोर्डलेस पड़ा है, फ़ोन पड़ा है, एंड वहाँ पे इधर इस साइड में एसी लगा हुआ है। ये इसका मेन एंट्रेंस गेट है, यहाँ पे एक कबर्ड दिया हुआ है, इसमें कोई भी सामान रखना हो अपने रख सकते हैं। इधर टीवी लगा हुआ है एंड यहाँ पे लगा है मिरर,
मिरर एंड उसके अलावा ये वॉशरूम है। वॉशरूम का तो क्या दिक्कत है। अभी जैसे टाइम हो रहा है 3:16, लगभग 2 बजे चेक इन किया था मैंने यहाँ पे। उसके बाद मैं नहाया वगैरह, फ्रेश हुआ एंड कंप्लीट चेंज वगैरह कर लिया। उसके बाद आज का दिन और आज की रात पूरी कंप्लीट, और कल का दिन और कल की रात कंप्लीट है। परसों अपने को चेकआउट करना है यहाँ से 12 बजे। उसके बाद देखेंगे, अगर घर जाने का अपना प्लान है तो घर जाएंगे, वरना इसे एक्सटेंड करवा लेंगे या फिर कोई और इससे अच्छा होटल ले लेंगे। तो अभी के लिए तो इनफ है अपने लिए, क्योंकि अकेला ही हूँ मैं, तो मेरे लिए सफिशियंट रहेगा। काफ़ी स्पेस है, सारा कुछ है यहाँ पे। अब यार भूख लग रही है, पहले सोचा था कि बाहर जाएंगे और कुछ खाएंगे, बट फिर मैं यहाँ पे आया। जैसे इधर आया यहाँ पे देखा ये मेन्यू लगा हुआ है, तो इसमें सारा कुछ है। एक बार दिखाता हूँ आपको, पंजाबी निवास मेन्यू, ये सारे सारे आइटम्स इसमें लगे हुए हैं। ये ब्रेकफास्ट के लिए, ये लंच डिनर, और ये स्नैक्स बीवरेज एंड सूप। आप मैगी कर दीजिए और कॉफ़ी कर दीजिए एक। जी हाँ जी, बस ओके। इस वाले वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि काफ़ी बड़ा हो जाएगा ये वीडियो। तो बाकी का जो पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बने रहिए मेरे साथ, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा RC17 ब्लॉग्स को। एंड ये वाला वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेक श्योर लाइक ज़रूर करके जाइएगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा लेते हुए जय हिंद जय भारत।